किसान आंदोलन में आज भारत बंद, गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर दिखा बड़ा असर, जाम में फंसी हजारों गाड़ियां। गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा जाम, मुसाफिर हुए परेशान। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी लगा जाम, किसान संगठनों के प्रदर्शन का दिखा असर। किसान संगठनों ने आज किया भारत बंद, गाजीपुर बॉर्डर पर डटे प्रदर्शनकारी, NH9 पर लगाया जाम, कहा कृषि कानून वापसी से पहले नहीं लौटेंगे घर। शाम के 4 बजे तक दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर जाम के हालात बने रहेंगे, जल्द कृषि कानून वापस नहीं, देशव्यापी बड़े प्रदर्शन की दी धमकी। प्रदर्शनकारियों के लिए खाना बनाते दिखे राकेश टिकैत, जाम से लोगों को हुई असुविधा पर बोले BQ नेता राकेश टिकैत, पहले किया गया था आगाह, दोपहर बाद घर से बाहर निकले। राकेश टिकैत ने सरकार पर धोखेबाजी बेईमानी का लगाया आरोप, कहा बंदूक के दम पर सरकार नहीं बदल सकती विचार। किसी के विचार को आप विचार से ही बदल सकते हो, बंदूक की ताकत पे उसके विचार को नहीं बदल सकते। टिकैत ने MSP पर गारंटी कानून की मांग की, BJP के खिलाफ प्रदर्शन के आरोपों को किया खारिज, कहा किसानों का प्रदर्शन कृषि कानून लाने वाली सरकार के खिलाफ। टिकैत ने कहा केंद्र सरकार लाई कृषि कानून तो क्या केजरीवाल का विरोध करूं, बोले कांग्रेस सत्ता में होती और ऐसा कानून लाती तो भी करता विरोध। पूर्व में आंदोलन का केंद्र है सिंघू बॉर्डर पर भी जुटे किसान, लगाया जाम। टिकरी बॉर्डर पर जुटे किसान, लगाया जाम। हरियाणा के सोनीपत में किसानों ने NH44 पर लगाया जाम, जाम से वाहनों की लगी लंबी कतार। सोनीपत प्रदर्शनकारी सीमेंट से बने डिवाइडर को ट्रैक्टर में बांध कर लाए, हाईवे के बीच रखकर रोका रास्ता। हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसानों ने रेलवे स्टेशन पर किया प्रदर्शन, ट्रैक पर जुटे किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। किसानों के समर्थन में आ गया है वकील, बहादुरगढ़ बार एसोसिएशन ने आज भारत बंद के समर्थन में कामकाज किया ठप। अंबाला में किसानों ने दिल्ली अमृतसर हाईवे पर लगाया जाम, वाहनों की लगी लंबी कतार, प्रदर्शनकारियों ने एम्बुलेंस और सेना की गाड़ियों को दिया जाने का रास्ता। करनाल में भी जुटे किसान, नेशनल हाईवे 44 पर लगाया जाम, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। रोहतक में जाट भवन के पास जुटे किसान, लगाया जाम। किसानों के भारत बंद के मद्देनजर पंजाब में सुरक्षा इंतजाम सख्त, अमृतसर बाईपास पर भारी पुलिस बल की तैनाती। बरनाला में किसानों ने रेलवे ट्रैक पर किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। चंडीगढ़ अंबाला हाईवे पर भी प्रदर्शनकारियों ने लगाया जाम, प्रदर्शनकारियों की दिखी संवेदनहीनता, 2 मरीजों को अस्पताल ले जा रहे परिजनों को भी नहीं दिया रास्ता। RJD ने भी किसानों के भारत बंद का किया समर्थन, हाजीपुर पटना हाईवे पर आगजनी कर रोका रास्ता। बेगूसराय में किसानों आंदोलन के समर्थन में आगे आए विपक्षी दल, हाईवे जाम कर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। आरा में लेफ्ट ने किसानों के भारत बंद का किया समर्थन, केंद्र सरकार पर सिर्फ कॉरपोरेट घरानों के हितों की चिंता का लगाया आरोप। बिहार के सहरसा में माले कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, किसान आंदोलन के समर्थन में लगाया जाम। यूपी के पीलीभीत में सिख संगठनों ने हाईवे पर लगाया जाम, भारी सुरक्षा इंतजाम के साथ सुरक्षा बल ने खुलवाया रास्ता। भारत बंद पर कृषि मंत्री ने की अपील, कहा फिर से चर्चा के लिए आगे आए किसान, तैयार है सरकार। किसान बंधुओं को आग्रह करना चाहता हूं कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। हरियाणा में कारोबारियों ने किया भारत बंद का ऐलान, दोपहर 12 बजे तक बाजार बंद रखने का फैसला। पटना में भी विपक्षी दलों ने किया प्रदर्शन, रेल और सड़क मार्ग किया बाधित। कोलकाता के लेक टाउन में लेफ्ट ने किया प्रदर्शन, भारत बंद के दौरान लगाया जाम, कृषि कानून वापसी की मांग। विजयवाड़ा में भी कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन, जगनमोहन सरकार ने भारत बंद का किया समर्थन, निजीकरण के खिलाफ बुलंद की आवाज। कर्नाटक के कलबुर्गी में भारत बंद के दौरान बस स्टॉप पर जुटे प्रदर्शनकारी, यात्री सेवा बाधित, देर से पहुंची पुलिस। कुरुक्षेत्र में किसानों ने रेल और सड़क मार्ग दोनों की जाम, मालवा से कटरा जाने वाली ट्रेन फंसी, यात्री दिखे परेशान। झारखंड के जहानाबाद में प्रदर्शनकारियों ने रोकी पैसेंजर ट्रेन NH3 पर लगाया जाम। भिवानी में दिखा भारत बंद का व्यापक असर, प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर 10 जगहों पर लगाया जाम, रेलवे ट्रैक पर किया प्रदर्शन। पीएम मोदी ने दिल्ली में सेंट्रल वर्सा प्रोजेक्ट का किया जायजा, कंस्ट्रक्शन साइट पर करीब 1 घंटे तक किया निरीक्षण।
बिना किसी पूर्व जानकारी के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के मुआयने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री। नई संसद भवन की इमारत के निर्माण के लिए जानकारी, गूंजे भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे। यूपी में चुनाव से पहले गन्ना किसानों की योगी सरकार को तोहफा, 325 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 350 किया गया समर्थन मूल्य। कानपुर की रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों की बैंड बाजा पार्टी से की तुलना, कहा सभी जातियों के हैं नेता लेकिन मुसलमानों का कोई एक नेता नहीं। तरीके से इन लोगों, हम अब बैंड बाजा नहीं बजाएंगे, अब हम जमहूरी तरीके से इन लोगों को बजाकर अपने उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। ओवैसी के बैंड बाजा वाले बयान पर यूपी में गरमाई सियासत, बीजेपी का आरोप। ओवैसी अतीक अहमद को मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को मानते हैं, अल्पसंख्यकों का आइकॉन, उनके मुंह से कभी नहीं सुना कलाम और बिस्मिल्लाह खान का नाम। मुसलमानों का आइकॉन ओवैसी किसको बनाना चाहते हैं? अतीक अहमद को, मुख्तार अंसारी को? अब लोगों के पास होगी अपनी हेल्थ आईडी। पीएम मोदी आज करेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत। आरएसएस के मुखपत्र पांच जन्य के निशाने पर अमेजॉन, कवर पेज पर ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 के तौर पर दिखाया। भवानीपुर में आज उपचुनाव के प्रचार का आखिरी दिन, 4 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट, ममता बनर्जी और प्रियंका डिब्रीवाल में टक्कर। यूपी में कांग्रेस का चुनावी मिशन जारी, आज लखनऊ पहुंचेंगी प्रियंका गांधी, एक हफ्ते तक मैराथन बैठक। गुजरात में आज से 2 दिन के मॉनसून सत्र की शुरुआत, भूपेंद्र पटेल सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। आज से 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कई सड़क परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। 3 दिन के दौरे पर मेक्सिको गए विदेश मंत्री एस जयशंकर, व्यापार और निवेश के साथ द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना उद्देश्य। गाजीपुर सदर से विधायक संगीता बलवंत के मंत्री बनने पर खुशी से झूमे कार्यकर्ता, पटाखे जलाकर मनाया जश्न। यूपी में कैबिनेट विस्तार पर बोले केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, सरकार को और बेहतर चलाने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार। नालंदा में जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत, कार्यकर्ताओं ने मुकुट पहनाकर सिक्कों से तौला। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट से टकराया तूफान गुलाब, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। विशाखापट्टनम में तूफान गुलाब का दिखने लगा था, देर रात कई इलाकों में हुई तेज बारिश। उड़ीसा के तटीय इलाकों में प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, लोगों को सुरक्षित जगह जाने की दी सलाह। उड़ीसा सरकार ने गुलाब के खतरों से निपटने के लिए कसी कमर, सीएम ने 11 जिलों के डीएम के साथ की बैठक। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों से की बात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। तूफान गुलाब की वजह से पश्चिम बंगाल में भी कई जिलों में बारिश का अनुमान, पूर्व मिदनापुर और 24 परगना के लिए जारी किया गया अलर्ट। महाराष्ट्र के हिंगोली में बारिश का कहर, 48 घंटे में बह गए 5 लोग, 3 की मौत। महाराष्ट्र के अकोला में लगातार बारिश ने बढ़ाई मुश्किल, अब भी उफान पर नदी और नाले। गुजरात के बनासकांठा में 2 घंटे में 4 इंच बारिश, बाजारों में भरा पानी। मध्य प्रदेश के बैतूल में मूसलाधार बारिश के बाद खोले गए सतपुड़ा डैम के 7 गेट, छोड़ा गया 31,000 क्यूसेक पानी। बाड़मेर में लोक कलाकार अनवर खान के घर पहुंचे संघ प्रमुख भागवत, भजन सुनने के बाद घर आने का किया था वायदा। बठिंडा में दिखा पंजाब के सीएम का नया रूप, शादी करके लौट रहे जोड़े के साथ खाई मिठाई। झालावाड़ में रीट परीक्षा देने आए छात्रों के लिए विशेष इंतजाम, जिला प्रशासन की ओर से खाने और परिवहन की मुफ्त व्यवस्था। सवाई माधोपुर में बीट की परीक्षा में गड़बड़ी का मामला, पुलिस ने 4 महिला समेत 8 लोगों को किया गिरफ्तार। आगरा में लगातार बढ़ रही है डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या, सबसे खतरनाक 2 स्ट्रेन के 13 मरीज मिले। मेरठ में डेंगू के 24 नए मामलों की पुष्टि, अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। आजादी के अमृत महोत्सव, आजादी धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस की कार्रवाई, नासिक से एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। आजमगढ़ में जमीन विवाद में चाचा ने भतीजी को मारी गोली, वारदात के बाद मौके से फरार हुआ आरोपी चाचा।
हरदोई के थाने में फरार आरोपी के पिता ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, परिजनों ने पुलिस पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। नादिया में आपसी झगड़े में भिड़े बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता, मारपीट में चार लोग जख्मी, अस्पताल में भर्ती। जोधपुर में रीट परीक्षा के दौरान डमी कैंडिडेट गिरफ्तार, 5 लाख रुपए में दूसरे छात्र की जगह बैठने की हुई थी डील। राजसमंद में रीट की परीक्षा के दौरान पुलिस की कार्रवाई, डमी परीक्षा देते 2 लोग को किया गिरफ्तार। भरतपुर में रीट की परीक्षा के दौरान पुलिस की कार्रवाई, दूसरे छात्र के नाम पर परीक्षा देने वाला गिरफ्तार। आगरा में 700 करोड़ का फर्जी कारोबार चलाने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार, फर्जी फर्म के नाम पर 100 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी। गोंडा में सामने आया युवती के साथ धोखाधड़ी का मामला, शादी रचाने और धन परिवर्तन का झांसा देकर पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उधमसिंह नगर में कालू शहीद मजार पर मारपीट का लाइव वीडियो वायरल, दरगाह के अधिकारियों ने पुलिस से की पूछताछ। बारामती में दूध में मिलावट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, डिटर्जेंट पाउडर समेत कई सामान बरामद। गाजियाबाद में सल्फात खाकर युवक ने की खुदकुशी, परिजनों ने ऑनलाइन कंपनी के खिलाफ की पुलिस में शिकायत। सुकमा नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल की कार्रवाई, आईईडी लगाकर नक्सलियों का स्मारक किया ध्वस्त। बाराबंकी में जमीन विवाद में भाई ने की भाई की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। करौली में न्यायिक हिरासत में आरोपी की मौत, परिजनों ने लगाया जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप। आईपीएल के पहले मैच में चेन्नई ने कोलकाता को 2 विकेट से हराया, जीत के लिए मिला था 172 रनों का लक्ष्य। चेन्नई की जीत के हीरो रहे रविंद्र जडेजा, 22 रन बनाकर और महज 21 रन देकर 1 विकेट झटककर बने मैन ऑफ द मैच। कोलकाता को हटाकर अंक तालिका में फिर नंबर 1 पर पहुंची चेन्नई, 10 मैचों में 16 अंक, प्लेऑफ के बेहद करीब टीम। आईपीएल के दूसरे मैच में बेंगलुरु ने मुंबई को दी मात, ग्लेन मैक्सवेल बने मैन ऑफ द मैच। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय क्रिकेट टीम, महिला टीम का कमाल, तीसरे वनडे में मेजबान को 2 विकेट से दी मात, 3 विकेट लेकर झूलन गोस्वामी प्लेयर ऑफ द मैच।